सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में श्री प्यारे लाल शाह और श्रीमती रेवती शाह के परिवार में हुआ था। आपके जन्म के उपरांत परिवार में अलौकिक आनंद सा छा गया था। सिद्धि माँ के बाल्यकाल में ही उनकी ईश्वर में बहुत रुचि और आस्था दृष्टिगत होती थी। मात्र 6 वर्ष की आयु से ही वे मंदिरों में जाकर अपनी माता द्वारा बनाए दीपक प्रज्वलित करके आती थी। जब वो 7 वर्ष की थी तब नीम करौली बाबा महाराज जी ने स्वयं उनके पिता की दुकान पर जाकर माँ को दर्शन दिए थे। संभवतः बाल्यकाल से ही पूर्व जन्म का संबंध जागृत हो गया था। सिद्धि माँ बचपन से ही अपनी माँ के साथ श्री आनंदमय माँ और श्री नारायण स्वामी जैसे संतों के सत्संग में जाया करती थी। ऐसे ही एक अवसर पर एक बार आनंदमय माँ अपने भक्तों के बीच बैठ कीराबाई के भजन का आनंद ले रही थी। उस समय माँ केवल 7 वर्ष की आयु में थी और इसी अल्प आयु में अपने स्थान से उठकर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। जैसे ही भजन समाप्त हुआ आनंदमय माँ अपने आसन से उठी और श्री माँ को उठाकर प्रेम से ओत प्रोत होकर हृदय से लगा लिया और कहा, ये तो जगत की माँ है। सिद्धि माँ का विवाह नैनीताल के श्री तुलाराम शाह जी के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही महीनों के बाद वे अपने परिवार के साथ महाराज जी के दर्शनों के लिए गई। ज्यों ही बाबा ने सिद्धि माँ को देखा तो उनकी ओर इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, हर समय ईश्वर की आराधना में लीन रहती है। बाबा ने माँ को आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा, तेरे लिए वृंदावन में एक कुटिया बनवाऊंगा। कालांतर में वृंदावन आश्रम में माँ के लिए एक कुटिया बनी। 1940 में बाबा को कुमाऊं का पर्वतीय क्षेत्र और नैनीताल इतने प्रिय लगने लगे कि उन्होंने उस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण आरंभ करवा दिया। साथ साथ नैनीताल स्थित माँ का निवास स्थान इंडिया होटल सभी भक्तों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का केंद्र बन गया। कई दिनों तक भक्त रामायण पाठ और कीर्तन करते रहते थे। कभी कभी महाराज जी अचानक ही वहां पहुंचकर सभी को दर्शन देकर आनंद से सराबोर कर देते थे। मंदिरों के निर्माण के उपरांत सिद्धि माँ और श्री तुलाराम शाह जी कैंची और भूम्याधार आश्रम में महाराज जी के साथ रुकते थे। महाराज जी के साथ उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वर धाम, श्री बद्रीनाथ, श्री द्वारकापुरी एवं अन्य कई तीर्थों की यात्रा की। 1962 में श्री तुलाराम शाह जी के शरीर छोड़ने के बाद सिद्धि माँ पूर्णतः कैंची आश्रम में वास करने लगी। श्री माँ के साथ उनकी बचपन की सहेली जीवंती माँ भी महाराज जी की सेवा में संलग्न हो गई। महाराज जी के प्रति माँ की निष्ठा एवं भक्ति सार्वभौम अनादि गुरु एवं शिष्य भाव को दर्शाता है। सिद्धि माँ के 2 पुत्र होटल एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष दिनेश लाल शाह और योगेश शाह, उनकी 1 पुत्री गीता शाह, कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन आलोक शाह की पत्नी हैं। श्रीमती शकुंतला शाह के शब्दों में वर्णित ये वृतांत भी सिद्धि माँ की महाराज जी के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा को दर्शाता है। श्रीमती शकुंतला शाह बताती हैं, जब मैं 8 वर्ष की थी मैं अपने पड़ोस के एक घर में गई जहां महाराज जी रुके थे। मैंने उनसे अपने घर चलने को कहा और वे तैयार हो गए। मैंने उनके द्वारा धारण किए हुए कंबल का एक कोना पकड़ा और उन्हें अपने घर ले आई। सिद्धि माँ और अन्य भक्त भी उनके साथ आ गए। जब बाबा को प्रसाद परोसा जा रहा था तो उन्होंने सिद्धि माँ से कहा, अम्मा
कोई भजन सुनाओ। माँ ने अपनी मधुर वाणी में भजन गाना प्रारंभ किया। जब तक भजन चला, महाराज जी उसे ध्यान अवस्थित होकर सुनते रहे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। समस्त दरबार का वातावरण अलौकिक आनंदमय हो गया। किसी को भी होश नहीं था, सभी निस्तब्ध थे। महाराज जी का हाथ थाली में वैसा ही रहा, वो प्रसाद भी ग्रहण न कर सके। ये श्री माँ का अपने गुरु महाराज के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का सार तत्व है। महासमाधि से 2 दिन पूर्व महाराज जी अपनी कुटी में बैठकर नित्य की भांति राम नाम लिख रहे थे। भक्तों का एक समूह बाबा के चारों ओर बैठा था, जिनमें सिद्धि माँ, जीवंती माँ और केसी तिवारी आदि भी थे। बाबा ने 9 सितंबर 1973 की दिनांक लिखकर राम नाम से वो पृष्ठ पूरा लिखा। अगले पृष्ठ पर 10 सितंबर की दिनांक लिखकर वो पृष्ठ भी पूरा लिख दिया। तत्पश्चात तीसरे पृष्ठ पर 11 सितंबर की दिनांक लिखकर उसे कोरा ही छोड़ दिया और सिद्धि माँ को इंगित करते हुए आदेश दिया, अब से तू ही लिखेगी। परोक्ष रूप से महाराज जी ने अपना यह दैविक कार्य श्री माँ को सौंप दिया था। महाराज जी के द्वारा भौतिक शरीर छोड़ने के उपरांत जब सभी भक्त निराशा के सागर में डूब गए थे, तब सिद्धि माँ की करुणा, स्नेह एवं कृपा सभी भक्तों के लिए सहारा बन गई। उस समय एक भक्त का कथन था, हमारे गुरु बड़े दयालु थे, जो हमें अनाथ न छोड़कर सिद्धि माँ की गोद में छोड़कर गए। बाबा के देशी और विदेशी सभी भक्तों को श्री माँ ने बाबा की कमी को पूरा करते हुए अपनी आखिरी सांस तक सहारा दिया और गुरुवार 28 दिसंबर 2017 को 95 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा ली। इस तरह इस जगत की माँ श्री सिद्धि माँ अनादि गुरु नीम करौली बाबा महाराज जी की इकलौती शिष्या व उत्तराधिकारी अनंत यात्रा पर रवाना हो गई।